खड़ा नहीं हो पा रहा। कान बंद थे मेरे जो, हाँ, वो उससे मेरा सांस ही नहीं आ रहे थे। कान से सांस लेते हो? सो शॉक, मेरे को पोटी आ रही है वैसे बहुत तेज। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो वेलकम टू चैनल, दिस इज योर तुषार ब्रदर्स। भाई आज के इस वीडियो में हम लोग पक्का स्कूबा डाइविंग करेंगे। लास्ट वीडियो में नहीं करी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा बन गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। भाई आप लोग इतने अंडरस्टैंडिंग तो हो, मुझे पता है, मतलब गर्लफ्रेंड है कि इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मतलब है भी नहीं जितना आप लोग, मुझे पता है आप लोग अंडरस्टैंड करते हो। थोड़ा लोगों ने डिसलाइक मारा बट कोई बात नहीं, आज हम सह लेंगे। और आज हम लोग करने वाले स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग होगी द ग्रेट बैरियर रीफ में, ठीक है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट, रुको एक बार देखना तो क्या है। तो भाई द ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, डजंट मैटर, बट कोरल सी में आती है और बहुत बड़ी है, ठीक है। क्वींसलैंड से शुरू होती है, मतलब पूरे, मतलब फैली हुई है। और मैंने सुना था जापान के मैप से भी बड़ी है, जो जापान का मैप है ना पूरा, उससे ही बड़ी है। और इसके बारे में हम लोगों ने जीके में भी पढ़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। एंड और है एक चीज और, मेरी 60% ऑडियंस ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो भाई हम लोग 3 लाख के, ये क्या ऑर्डर कैमरे के आगे, तो भाई हम लोग 3 लाख के आगे, 3 लाख, 3 लाख के बहुत ज्यादा पास है, ठीक है। मतलब 46,000 सब्सक्राइबर है। प्लीज जल्दी जल्दी 3 लाख गोल कंप्लीट करते हैं, एंड फिर उसके बाद हम लोग टारगेट करेंगे 500,000। मतलब लड़के की सोच बहुत बड़ी है, मिलियन भी बोल सकता हूं, पर मुझे पता है ना जो होएगा कुछ नहीं, समझ रहे हो ना। बड़ी खड़े नहीं हुए जा रहा बिल्कुल भी, बहुत तेज चल रहे हैं, है ना। Yep, yep. मैं कैमरा पकड़ू, दीवार पकड़ू, भाई खड़े नहीं हो जा रहा बिल्कुल भी, खड़ा नहीं हो पा रहा। हाँ जी, खड़ा नहीं हो पा रहा। क्या है? खड़ा नहीं हो पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा वो एक्चुअली। तो भाई अगर आप लोग कभी क्रूज या फेरी में बैठे हो तो आप लोग समझोगे कि जब टाइट ज्यादा हाई होती हैं तो काफी ज्यादा ना बोट हिलती है, मतलब हद से ज्यादा, और उस बोट के हिलने से मोशन सिकनेस बहुत ज्यादा होती है। जो मेरा लास्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैंने 6 से 7 बार उल्टियां मारी थी, ठीक है, 3 घंटे के अंदर। और ये मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में काफी ज्यादा लोगों के साथ ऐसा होता है, और हमारे इस पूरे 9 लोग के ग्रुप में भी एक बंदे के साथ हुआ। आर यू एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड, is it going to be scary? Like I'm doing it for the first time. Scary? Like scary? No, at all. It's going to be sharks fun. Sharks fun. Sharks fun. Sharks fun. ये क्या कर रहे हैं? गैस लीक हो रही है, पेट्रोल कर रहा है, और बंद पीछे बंदा ट्रांसफर हो रहा है एक बोट से दूसरी बोट में, घबला हो रहा है यहाँ। बोट से आए हैं, तारों के नीचे से आए, तारों के नीचे से आए, वो क्या हो रहा है वहाँ, क्या है ब्लैक ब्लैक, तो दे होप यू अप विद दैट। तो जिस बंदे को सबसे पहले वॉमिटिंग स्टार्ट हुई वो था गौरव, इस हसमुख चेहरे को आप देख सकते हो, ठीक है। हसमुख काफी देर तक था बट उसके बाद नहीं, वन डाउन, वन मैन इज डाउन, मेरे वाला हाल हो रहा है भाई का। भाई तो उल्टियां इकट्ठी हो रही है भैया, मैं ठीक हूं भैया, दूर जो हमको भी आ जाएगी। और मेरे को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। होएगी शुरू में 100% होएगी, बिकॉज़ यू हैव टू गेट यूज्ड टू नाक से ब्रीथ, नाक करो कि मुंह से करो, दैट्स वेरी हार्ड एट द स्टार्ट। पर ठीक है मेरे ख्याल से, नहीं हीटर लेके जा रहा हूं, मुझे तो भाई डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। उल्टी वाला कौन? उल्टी वाला गौरव। भाई अभी एक बंदा डाउन हो चुका है और थोड़े से और रह गए। वहाँ एक लड़की पहले उल्टी करी थी, गौरव साथ जाके बैठ गया, मैं और साहिल भी छोड़ने गए गौरव को, आपने देखा वीडियो में। तो हम जैसे ही वहाँ पहुंचे दोनों की हल्की हल्की उल्टी बाहर आ रही थी, मैं वापस आ गया, मेरे को आ जाती उल्टी से, मन नहीं हो रहा था आपको? मैं सीधी कर देता हूँ। अरे मेरे को मन हो रहा था इसलिए मैंने यू टर्न ले लिया वहीं से। अब भाई मैं और साहिल भी दोनों की पेट ना बहुत बड़े बड़े, मतलब तोन बड़े बड़े, दोनों ने जब कैमरा ऑन हुआ दोनों की सांसें रुकी हुई थी, मतलब आप लोगों को दिखी जाए। फोन मैसेज कर रहा है, कोई गिल्ला है, कोई फटा तो नहीं पीछे से? नहीं भाई, हम बॉयज नहीं पहन लिए और ये हम जादू लग रहे हैं। कैसा लग रहा है पहन के? ठंडा ठंडा लग रहा है ना? और ऐसे कर लो, अब ठीक हो आप? क्या कह रहे हैं?
finished off. Yeah. How do I lose it up? It's very tight. Chakko. Chakko paratha. Oh, saans kaise lo? Dar lag raha hai. Kaise lag raha hai? Wo kapi rehne se. तो आप लोग बोला कि भाई इसने चश्मे के अंदर क्या डाला है जो ग्लासेस पहने थे, तो इसके अंदर होता है एंटी फॉग वाला स्प्रे मारा था इन लोगों ने। उससे क्या होता है कि जैसे फॉग अप नहीं होता, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। और हाँ, मैं आपको एक और चीज समझा दूं, जो सॉरी मैं बार बार बीच में आ रहा हूँ, जो स्नॉकलिंग होती है आप लोग स्कूबा तो समझते होगे, पर जो स्नॉकलिंग होती है वो मेरे को भी समझ में नहीं आई थी, मतलब मेरे को भी उसी दिन समझ में आई थी। स्नॉकलिंग क्या होती है, जब वो मुंह पे गियर लगा, जैसे आप लोगों ने देखा ही लगा हुआ है, बस हम ना तैरते रहते हैं ऊपर पानी के और नीचे ऐसे घुस के देखते रहते हैं बस, और कुछ नहीं, मतलब अंदर फिशेज वगैरह दिखती है और ज्यादा कुछ नहीं। आपको ये लड़का शुरू शुरू में हैरान परेशान दिख रहा होगा, बट वो सच में हैरान परेशान है। तो ये इसलिए है ताकि यू कैन ब्रीथ अंडर वाटर एंड यू कैन सी इनसाइड। आप तो GoPro में से देख सकते हैं, मैंने देख सकते हैं मेरी फटी हुई कौन है ये। आई ट्राइड स्नॉर्कल बट वो मेरे मुंह में बार बार पानी जा रहा था और पानी हद से ज्यादा सॉल्टी होता है, तो नाक में भी चढ़ रहा था, मतलब मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल एट ऑल, मतलब शुरू शुरू में ठीक था बट आगे देखो। सारे लोग सही से स्नॉकलिंग कर रहे थे बट मेरे से नहीं हो रही थी। आई स्टार्टेड पैनिकिंग, ठीक है, मेरे को बहुत ज्यादा दिल से, मतलब अंदर से बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नहीं है, मतलब अपने ही लोग हैं, समुद्र में कोई भी नहीं है और मेरे को पानी से वैसे ही डर लगता है। मतलब स्विमिंग आती है वैसे मैं सकता हूँ बट यहाँ मैं पिघल गया। फाइनली वी केम आउट ऑफ स्नॉकलिंग, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत मजा आया, डर नहीं लगा, देखिए डर के आगे जीत है, लेकिन शुरू शुरू में डर जाते हो ना पानी के अंदर तो बहुत डीप होता है पानी। मेरी भी बहुत फट रही थी भाई, मैंने कैमरा छोड़ दिया, GoPro वगैरह फेरी दी, सब आधा रिकॉर्ड किया है, छोटे को पैनिक अटैक आया था। अब भाई इस ब्लॉग में आगे आपको ये शक्ल और ये डायलॉग याद रखना है, ठीक है, ये शक्ल और डायलॉग में फिर से बोल रहा हूँ, छोटे को पैनिक अटैक आया था, याद रखनी है पूरे ब्लॉग में आगे आपको। पैनिक अटैक, पैनिक हो गया बहुत ज्यादा तेज। आप लोगों को कैसा लगा? मेरे को अच्छा लगा, मैंने पहले करी है। और जब मुंह के अंदर पानी जा रहा था फिर बहुत इरिटेशन होती थी, बहुत तेज और बहुत ज्यादा सॉल्टी है तो अजीब ही हो रहा था, और सुसु भी बहुत तेज आ रहा था। तो टूथपेस्ट में भी नमक है। यहाँ पे भी नमक ढूंढ रहे हैं। इसी को गार्गल कर ले, इसको डाल, गला खराब हो जाएगा। अभी अभी क्या इरादे हैं फिर? मैं क्या? अभी अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग करने। स्कूबा डाइविंग। GoPro में बैटरी है 21% हो जाएगा। देखते हैं। अरे भाई 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 क्या हो भाई? कैमरे में गिरे। मैंने और भैया ने सोच लिया कि स्कूबा डाइविंग कर कैसे? ऐसे उतारो। लेट द टैंक गो बॉयज। लेट द टैंक गो। लेट द टैंक ब्लास्ट। तो भाई हम सॉरी मैं बीच बीच में आ रहा हूँ, लोगों ने चार चार का ग्रुप बनाया था, ताने ने नहीं करी थी, तो चार ग्रुप में थे मैं, मतलब मैं, साहिल भैया, नूर भाभी एंड प्रियल। जो दूसरा ग्रुप था उसके अंदर थे अर्जुन, स्कॉट, गौरव एंड फेरी दीदी, ठीक है। It looks like a drone. तो ऐसा होता है ना क्लास में, जैसे चार बच्चों को कोई मतलब इंटरव्यू वगैरह हो रहा है तो सबसे पहले मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि भाई पहले मैं कभी नहीं, मैं हमेशा एंड में चला जाऊंगा या मैं बिंड में चला जाऊंगा, पहले नहीं जाऊंगा। बट उन्होंने सबसे पहले मेरे को धक्का दे दिया पानी के अंदर एंड देन दिस हैपेंड। पानी के अंदर घुसते ही दे डिफ्लेट योर लाइफ जैकेट, उससे क्या होता है कि आप लोग नीचे चले जाते हो और जब वो ऊपर आना होता है तो वो उसके अंदर हवा भर देते हैं, मतलब बटन दबा के। तो उन्होंने जैसे ही डिफ्लेट करी मैं धीरे धीरे ड्राउन लग गया, ठीक है, धीरे धीरे अंदर जाने लग गया और बाकी सब लोग ऊपर वेट कर रहे थे क्योंकि चार बंदों पर एक ट्रेनर था, तो एक ट्रेनर को चारों को नीचे लेके आना था। और नीचे आते ही भाई ने मेरे मुंह से ऑक्सीजन वाला वो निकाल दिया, ठीक है, और वापस से पहना दिया। वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इमरजेंसी में आपके मुंह से निकल जाए तो वापस पहन लो और नॉर्मल ब्रीदिंग करोगे तो सॉर्टेड रहेगा। इसके अंदर आपको सिर्फ मुंह से सांस लेनी होती है और मुंह से ही छोड़नी होती है, ठीक है। अगर हम इसको हटा दें और जल्दी से पहन लें तो ठीक रहेगा, ज्यादा देर तक बाहर रहेगा तो इमरजेंसी हो जाती है और कुछ भी हालात खराब हो सकते हैं। Thank you.
आप लोगों को वो डायलॉग याद है ना, छोटे को पैनिक अटैक आया था तो साइड पे नीचे आए। और भाई मेरे को पता नहीं क्या शौक चढ़ा, मैं स्लोमो लेने लग गया पानी के अंदर। एवरीथिंग वाज फाइन एंड देन साइलोया हैड टू गो अप, पता नहीं क्या हुआ था, बट देन प्रियल केम इन, प्रियल वाज फाइन एंड देन नूर भाभी केम। क्या कर रहा है भाई, गाना चेंज कर दे, कुछ बढ़िया सा लगा। तो यहाँ तक एवरीथिंग वाज फाइन, बट मैं कोरल रीफ से टकराने लग गया, ठीक है, मेरा पैर टच हुआ। मैं कहा ये क्या हुआ, मेरे को मेरी सबसे ज्यादा तफटी थी कि मैं उनमें टकरा के नीचे ना गिर दूं, मैं फंस ना जाऊं, मतलब मर ना जाऊं, काफी सारे थॉट्स चल रहे थे दिमाग में, तो मैं एकदम से हड़बड़ाने लग गया। और आप देख रहे हो कैमरा कितनी बुरी तरह से हिल रहा है, और मैं फिर ऊपर आ गया, मतलब थोड़ा सा ऊपर, कोरल से बाहर नहीं, अपन सकते आधे घंटे तक समंदर में ही रहेंगे हम। दूसरी बार फिर से टकरा गया, तो हम लोगों ने करी, आपने वीडियो देखी होगी, अभी आपका अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। पहले प्रदेश साहब क्या हुआ, क्या कटवा लिया आपने? मेरे को सांस ही नहीं आया। क्यों? छोटे को पैनिक अटैक आया था। फिर हो गया? हाँ हाँ, क्या हुआ था बताओ ना। मेरे को जब मैं जाओ था नीचे, हाँ तेज बोलो थोड़ा, कान बंद थे मेरे जो, हाँ उससे मेरा सांस ही नहीं आ रहे थे। कान से सांस लेते हो? आधे घंटे तक हम दोनों लिटरली, आप लोग अब तक एंटर नहीं हो रहे, मैं अकेला था नीचे। क्या कर रहा था? और सबसे पहले मेरे को नीचे भेजा, मेरे को ना होटल के खड़े हो जाओ ताकि सारे नीचे आए। तो भैया को लाने में 15-20 मिनट लग गए, आए नहीं, फिर नीचे आ रहे ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे ऊपर जा रहे। एंड देन प्रियल केम, प्रियल वाज देयर विद मी एंड देन नूर भाभी केम एंड शी लाइक हमारे पीछे चली गई और वो हमको दिखी नहीं उसके बाद, पता नहीं। एंड उसके बाद सुनो तो सही, उसके बाद मी एंड चक्कर आ रहे हैं मुझे अभी, एंड उसके बाद मी एंड प्रियल डिड वेरी वेल, मैंने सारा रिकॉर्ड किया और गोप्रो आधे रास्ते बंद हो गया भाई, कहाँ है? मैं जैसे दो क्लिप ले लूँ, मैं डालूँ। आपको सच पता है, ब्रिजेस आप फेल हो गए इस चीज में, भैया कहते हैं मजा आ रहा है। स्नॉर्कलिंग के टाइम वहाँ मेरे को, वहाँ मैं पैनिक कर गया और भैया पानी में पैनिक कर गया, बहुत सुंदर था भाई लिटरली। तो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। वो कोरल के नीचे जो थी, बट मैं नीचे टकरा रहा था, पता आपको कोरल से इतनी बार टकराया हूँ, उसने कहा गो अप गो अप, हाँ मेरे को डर लग रहा था क्या हो रहा है, बट वी डिड रियली वेल और बहुत ज्यादा मजा आ गया। बहुत पीसफुल होते हैं अंदर और फिशेस वगैरह को टच कर रहे थे भाई, जैसे भुक्के से छिल्ले बनाते हैं ना लोग, वो हाथ से बना रहा था। अकेले खुद किया मैंने, क्योंकि और मेरे को भाई मैं अकेला, तूफान मचा रहे हम लोग। क्या वो बताओ? अरे मैं जैसे बहुत सफोकेशन वैसे नॉर्मली भी फील होती है, हाँ। मैं जैसे ब्लैंकेट भी नहीं ले सकती अपने मुंह में, मैं भी नहीं ले सकता, बताओ आप भी ले सकते ना? मैं तो 10 सेकंड मैं वही कहूँ, हम दोनों वहाँ खड़े पीछे से गए गायब। आपका कैसा हुआ? Was it good? Yeah, I didn't stay there. I only went for like 5 minutes. No, we were there like we touched the floor. Nice. Yeah, we went till down. कैसा लग रहा है? देखो तो बताऊँ पानी में। बेइज्जती होगी। मेरे को वहाँ कह रहे थे मजा आ रहा है स्नॉर्कलिंग में। ब्लॉग बनाऊंगा मैं गोप्रो की, 3-3 बैटरियां ले आई कि अंदर दिक्कत ना हो। क्या हुआ? मैं करके आया हूँ बोट की उस साइड, उसको पता भी नहीं है, कुछ नहीं करके आया, मैंने बोट कुछ भी दौरे मत चले। यू आर होल्डिंग द रोप ऑल द टाइम। मेरा गोप्रो चलना बंद हो गया, लाइक ये तो झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, कह रहे मैंने शार्क देखी, गोप्रो चलना बंद हो गया। नहीं उससे पता क्या हुआ, उसके रुके रहने दो, बहुत तेज हिल रही है। भाई फाइनली लैंडेड और भाई बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था और लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया, लिटरली मतलब बार बार लिटरली बोल रहा हूँ बट सच में वर्थ था, वर्थ, पैसे पूरे हो गए, भाग गए सारे मेरे को छोड़ के।
Hey guys, how was your experience again? Bus last time. Very nice, bro. सारे थके हैं भाई, सो गए सब. नींद सब सो गए थे. हाँ. आप मतलब तो पैसे दे आए काम का, $200 फ्री के दे आए. स्कूबा डाइविंग करी नहीं? स्नोकलिंग करी मैंने. बस स्नोकलिंग करी. स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस कितनी देर को था? 2 मिनट 30 सेकंड. 2 मिनट 30 सेकंड. कोई नहीं भाई, वो होता है भाई, अपना है ना, बॉडी बॉडी के ऊपर होता है, सपोर्ट नहीं करते. अब मैंने फील अच्छे से करी ना. क्योंकि हमारे जो मेरे जो पार्टनर थे अर्जुन स्कॉट गाय मेरी फेरी ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट तो आई हैड पीटी सेशन विद द गाय आई वाज वेरी लकी एंड आई सॉ व्हाइट टिप शार्क ओके आई सॉ टर्टल यू सॉ टर्टल वो बच्चों वाली शार्क थी वो कुछ नहीं करते हैं बेबी शार्क टू 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 अगली बार स्कूबा डाइव जा रहा हूं तो इन तीनों के साथ जाना गारंटीड बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है गाइस लेट्स गेट आउट ऑफ द वे वी आर इन द वे लेट्स गो तो भाई ये था हमारा स्नॉकलिंग है स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, खुद अच्छी लगी बहुत ज़्यादा से सब्सक्राइब कर देना. मैं आपको लूँगा नेक्स्ट वीडियो में और भाई 3 लाख का गोल जल्दी से भाई खिंच के 3 लाख और लव फ्रॉम सिडनी बॉय फ्रॉम इंडिया शेयर बन के. सॉरी साहिल भैया अगर आपको बुरा लगा, मतलब साहिल भैया से मैंने परमिशन ले ली थी. साहिल भैया ने खुद कहा था अगर तू ये वीडियो डाल देगा और मेरी बेइज्जती ज़्यादा हो रही होगी तो मैं अपना इंस्टाग्राम वगैरह प्राइवेट कर दूंगा, यूट्यूब वगैरह डिलीट, मतलब ऐसे कुछ कह रहे थे. मुझे पता नहीं करेंगे भैया अच्छे बहुत ज़्यादा. तो हाँ भाई लड़के ने करी आधे घंटे तक समुद्र में स्कूबा डाइविंग. बकेट लिस्ट पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट. मैं बोला क्या बिरयानी? मैं अभी मैं पिज़्ज़ा बोल रहा हूं, मैं थोड़ी देर बोलूंगी पिज़्ज़ा का बिरयानी. एक्चुअली हां आई थिंक वो ही फेस चल रहा है मेरा, भूख इतनी लग रही है, कुछ भी बोलोगे शायद मेरा वो ही खाने पीने का मन. मेरे को पोटी आ रही है वैसे बहुत तेज.